देखो फिर से आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आज का दिन जो है वो शुरू हो चुका है और दोपहर हो रही है। फिलहाल अपनी कॉफी लेके आ चुका हूँ। जैसे कि हर ब्लॉग की शुरुआत होती है मोस्टली, वैसे ही आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों 3:30 बज चुके हैं, विच मीन्स खाने का टाइम हो चुका है और मैं खाने में बनाने वाला हूँ चिकन चाउमिन, जो मैं ट्रेडर जोस से लेके आया था। पता नहीं कैसे बनेगी और ये कैसी होगी, क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि जो यहाँ की चाउमीन होती है, मैंने एक बार चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके, भाई साहब ऐसा चाइनीज रेस्टोरेंट जिसमें बैरक ओबामा, टिम कुक ऐसे लोग आए हुए, वहां जाके खाई थी फीकी चाउमीन, बिल्कुल फीकी चाउमीन, कोई फ्लेवर कोई मसाला कुछ नहीं। चलो मसाला एक बात होती है, तुम लोग नहीं खाते स्पाइसी, मैंने मान ली बात, लेकिन फ्लेवर तो डालो उसके अंदर, फीकी चाउमीन। अब आई डोंट नो ये कैसे होने वाली है, और मैं तो इसमें तो मैं कलाकारी भी नहीं कर सकता, जैसे कोई और चीज होती है मैं कलाकारी कर देता हूँ, चलो लाल मिर्च वगैरह डाल। अब इसमें लाल मिर्च गरम मसाला थोड़ी डालूंगा मैं, फिर तो बहुत ही ज्यादा अब्सर्ड हो जाएगा ना। आई डोंट नो कि इसको मैं कैसे बेटर कर पाऊंगा, या कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये तो जैसी है वैसी खाने वाला हूं मैं। और इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, सर्विंग्स पर कंटेनर अबाउट थ्री का मतलब अभी खा लूंगा, रात को डिनर में भी खा लूंगा, भाई साहब आज तो चौमिन ही चौमिन चलेगी पूरे दिन। लेकिन सबसे पहले तो ये देखते हैं बनेगी कैसे। स्टोव टॉप पे टेबल स्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन अ लार्ज स्किलेट और वॉक ओवर हाई हीट, कवर एंड कुक फॉर। अब इसमें दिक्कत ये है कि मेरे पास वो नहीं है, वॉक नहीं है, वॉक चाहिए होता है कढ़ाई, कढ़ाई जैसे होता है, मेरे पास तो ये है और इसी का बड़ा साइज है, लेकिन ये भी कढ़ाई थोड़ी ना है। और इसमें उन्होंने ढकने के लिए भी लिखा है, ढकने के लिए कुछ है नहीं, या तो पैन है नॉर्मल वाला, वो कढ़ाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन इस चौमिन को तो पता नहीं है कि भाई बर्तन कौन सा है, मेरे हिसाब से पकी जानी चाहिए, इसे तो भाई हीट से मतलब है, किसी भी बर्तन के थ्रू आए। चलो बनाते हैं, देखी जाएगी, मैं तो इस पे बनाऊंगा। और नेटफ्लिक्स पे शैतान आ चुकी है, शैतान मैंने देखी नहीं थी, मैंने मिक्स रिव्यू सुने शैतान के, तो देखते हैं आज कैसी लगती है मुझे शैतान। इसमें तो रंग बिरंगी चीजें है भाई, ये सब क्या है, ऐसा लग रहा कैंडी है। एक तो सॉस का पैकेट है इसमें, काफी अजीब सा लग रहा है मुझे तो ये सब सामान। चलो शुरू तो कर दिया मैंने बनाना, देखते हैं। आई गेस ऑयल भी हीट हो ही गया, अब हमें डालनी है ये रंग बिरंगी कैंडी जैसी चीजें जिसमें है सब्जियां, नूडल्स एंड चिकन। वाओ ये देखो भाई, ये तो इसमें फिट ही नहीं आ रहा सामान, अरे टूट जा भाई टूट जा। अब इसे हमें कवर करना है 6 to 7 minutes के लिए। हाँ तो मामले देखें, ओए 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 क्या बात है, पक तो गया है, लग रहा है लग रहा है थोड़ा सा जल भी गया है नीचे, बट अब क्या किया जा सकता है। गैस जल गई है तो ये ना नीचे चिपक गई है चौमिन, तो मेरी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, चिपक क्या है ये, बट वैसे सही लग रहा है सॉस वॉस डाल के। थोड़ी सी चौमिन जरा जल गई, तो वो जब ढक के पक रही थी मैंने फिर थोड़ा लेट कर दिया मामला, तो थोड़ी सी चौमिन जो है नीचे ही चिपक गई है उसके, बट अब कोई बात नहीं, इतनी क्वांटिटी की चौमिन आ चुकी है, लग तो थोड़ी सुंदर रही होगी, रंग बिरंगी सब्जियां वब्जियां है, पता नहीं खाने में कैसी होने वाली है ये। मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल ही दी, मैं भी बाज आता नहीं हूँ जब तक मैं कुछ डालू ना अपना, ठीक ठीक है, इतनी कोई बढ़िया नहीं है, मतलब फ्लेवरफुल है ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी मीठी है, क्यों मीठी है भगवान जाने, कोई नहीं बता सकता क्यों मीठी है ये। और ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल चाउमीन के अंदर कोई तो मीठी चाइनीज ग्रेवी जो है वो मिक्स कर दी है, और फिर ये प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो चुका है, पर अब जो है इंजॉय करते हैं, साथ में शैतान देखेंगे। तो भाई मैंने पूरी शैतान देख ली, और मैं शैतान नहीं बन रहा हूँ इस चाकू के साथ, मैं तो देखो ये पियर काटने के लिए लेके आया, क्योंकि अभी जिम जाऊंगा। मुझे तो देखो पिक्चर जो है वो ऐवी लगी, मतलब मुझे तो कोई इतनी खास पसंद नहीं आई, मतलब मुझे पोटेंशियल काफ़ी नज़र आ रही थी, काफ़ी अच्छी बन सकती थी, लेकिन कभी मैं उस वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी को अच्छे से जान ही नहीं पाया, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे क्लूलेस था। अब वो क्लूलेस इसलिए था क्योंकि मैं वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी से ही अवेयर नहीं था, या तो मैं अच्छे से अवेयर होना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, मतलब मेरा दिमाग भी तो साथ में चलना चाहिए ना फिल्म के, या तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम सरेंडर कर देते हैं कि चलो फिल्म की जर्नी पे जा रहे हैं हम, वो भी सही रहता है, लेकिन इसमें तो सरेंडर भी नहीं हो पा रहा था और इसमें मैं क्लूलेस भी हो गया था। वैसे तो इसका मेन जो प्रोटैगनिस्ट माना जाएगा, वैसे एंटैगनिस्ट होता है जो विलन होता है, लेकिन इसमें जो प्रोटैगनिस्ट माना जाएगा वो तो मैं आर माधवन को मानूंगा, जो एक्चुअली में शैतान था, क्योंकि मेन तो उसकी ही पावर वावर दिख रही थी। जो अपना अजय देवगन था वो तो मुझे बहुत ही हेल्पलेस और बेचारा और वीक सा नजर आया, मतलब जो कि ठीक है, मतलब हेल्पलेस वॉज पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर, लेकिन आखिर कब तक, और लास्ट में भी एकदम जैसी बेकार, मतलब मुझे पसंद नहीं आई, पोटेंशियल काफी थी फिल्म में। और मैं बहुत ज्यादा अच्छे से भी तुम्हें बता सकता हूँ, अभी रुको मुझे 10 मिनट दो, मैं अच्छे से प्लान करके बताऊँ, बट क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें कोई मूवी रिव्यू तो जानना नहीं है, मुझे बेसिकली फिल्म ऐसी लगी, कोई इतनी खास नहीं लगी, बहुत फाड़ बन सकती थी मे बी, पर
ब्लैक समझ तो आता मुझे, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या फिर मैं कभी कभी ऐसे मूवी में इन्वॉल्व होना चाहिए था कि हाँ यार ऐसे में ना इस आदमी को ये कर देना चाहिए, ऐसे करके वो ऐसे कर सकता है। मैं तो क्लूलेस था भाई कि इस बंदे का तो कोई इलाज ही नहीं है, अब क्या किया जाएगा। मतलब ऐसा थोड़ी होना चाहिए, तुम तो अपना हीरो इतना वीक बना दो कि हमें बिल्कुल ही आशा ही ना रहे। मैंने भी अभी अभी देखी है, तो कभी भी मैं एकदम से देख के नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी टाइम की कमी के चलते एकदम कैमरा खोल के मैं बात करने लग गया हूँ, तो क्या है कि अभी भी मैं खुद भी प्रोसेस कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने पियर काट लिया है, पियर खाऊंगा फिर जिम जाऊंगा। मुझे मूवी की डायरेक्शन भी काफी ज्यादा एवरेज लगी, देखो जबकि डायरेक्टर जो है वो विकास बहल है, दो तीन पिक्चरें सही है लेकिन ये काफी एवरेज लगी मुझे। स्टार्टिंग से ही एवरेज एवरेज वाली फीलिंग आ रही थी, एकदम द नॉर्मल सी वाइब, एकदम बेसिक वाइब शुरू में। देखो फैमिली कितनी हैप्पी है, देखो इनका कैसा डायनामिक है, अब इनके साथ बहुत ही बुरा होने जा रहा है, चलो वो तो स्क्रीन प्ले हो गया, वो भी एवरेज ही था। किसी ने तो जिम की सेटिंग चेंज कर दी है, ये साइकिल की सेटिंग चेंज कर दी है, ये बॉक्सिंग वाले की सेटिंग चेंज कर दी है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, वही कहते हैं बॉक्सिंग। मैं तो ऐसी की तैसी कर दूं इस पे, मैं तो इसलिए करता नहीं ना, मैं करूंगा तो देखो एक दो दिन में खराब हो जाएगा, ये फट जाएगा, बल्कि एक दो दिन भी नहीं, एक आध घंटे में ही। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है, देखो मैं तो करता हूँ अपना सुपर इंटेंस वर्क, करता हूँ एनर्जी ड्रिंक को भी मात देते हैं, जिसकी वजह से पावर और स्ट्रेंथ एकदम एक्सट्रीम लेवल की आ चुकी है मेरे पास, तो अब इसलिए मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। अब लगते हैं अपने अगले काम पे, विच इज एडिट। 10:15 PM हो चुके हैं, व्लॉग मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया, अब मैं करूंगा डिनर। पता नहीं डिनर में क्या करूं, क्योंकि चौमिन पड़ी है मेरे पास सुबह वाली, पूरी तो खाई नहीं थी मैंने, मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी पूरी खाने लायक, लेकिन मैं थोड़ी सी बची है तो वो खा लूंगा, लेकिन वो थोड़ी सी है और वो ऐसी मात्रा में है कि ना वो इतनी ज्यादा कि मेरा पेट भर जाए, ना वो इतनी कम है कि मेरा पेट ना भरे, फिर मैं बीच में कहीं मजदार में अटक जाऊंगा, फिर मुझे पता नहीं मैं क्या खाऊं, तो सोचना पड़ेगा।